أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى السكنان جدي الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد سبحانه في الكتاب المبين هو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات ورزمة عليهم इससे बेहतरीन सलवात पढ़ो हज़रत आले मोहम्मद पर। इरशाद है परवरदिगार आलम हो रहा है मेरा परवरदिगार बड़ी शान शौकत के साथ ऐलान कर रहा है और माशाल्लाह से दो या तीन दिन से ज़्यादा तो हो चुके या एक को सुनते सुनते यहाँ तक उम्मीद यह है कि याद हो गई होगी। सिर्फ सामने वाला जद तो जहद ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अगर एक तरफा मेहनत रहे तो मेहनत रंग नहीं जाती है बल्कि दोनों तरफ और दोनों तरफा मेहनत रहे तो मेहनत रंग ऐसे लाती है जैसे गुलाब में से खुशबू निकलती है। मैं ये कहना ये चारों की शुरुआत पड़ोस मत आले मोहम्मद पर कि इंसान अगर एक तरफा मेहनत करे एक तरफा जद्दोजहद करे एक तरफा प्रैक्टिस करे एक तरफा मशक्कत करे तो दर हकीकत में मेहनत ही बन के रह जाती है और कुछ नहीं रहती है बल्कि इंसान को चाहिए कि वो दोनों तरफा मेहनत करे। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं ना एक मिसाल दी जाती है हमारे इलाके में और शायद यहाँ भी दी जाती हो कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है दो हाथों से बजती है। यानी क्या मतलब मतलब ये है कि इंसान दोनों तरफा जद्दोजहद और मशक्कत और मेहनत करे जब जाके बात इंसान की अक्ल व खिरद और शऊर और उसके नफ्स में आती है बगैर जद्दोजहद के बड़ी मशक्कत के बड़ी मेहनत के बात समझ में नहीं आती है। बहरहाल आप उससे बेहतर जानते हैं मैंने आयत विलायत की तिलावत की है और आप मुसलसल सुन रहे हैं और मुहर्रम की 5 तारीख लग चुकी है। माह मुहर्रम आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल मकसूद की जाने इस तरह गुजर रहा है कि जैसे सूरज निकलता है मगरिब की तरफ डूब जाता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है क्या इरशाद फरमा रहा है इरशाद ये फरमा रहा है कि अल्लाह वली है उसका रसूल वली है और वो वली है जो आले तरुकों में ज़कात देता है नमाज को कायम करता है और आले तरुकों में ज़कात देता है। दो चार बातें और बात तमाम अजीजाने गिरामी कि आज का जवान और आज का हजरत इंसान जब उस पर अहकाम इलाही फर्ज होते हैं वाजिब होते हैं तो उसका नस उसको बल बलाता है उस पर गुनाह करने कबीरा सगीरा को अंजाम
देने के लिए उसे उस चीज की दावत देता है कि इस काम को कर, इस काम को कर, इस काम को कर। ऐसा होता है या नहीं? आप कहेंगे जरूर ऐसा ही होता है। जब बच्चा कमसिनी से यानी हद बिलोक से यानी हकीन वाजिबात इलाही उस पर फर्ज होते हैं, और जब वो एकामा इलाही इस पर वाजिब होते हैं, नमाज, रोजा, हज, हुम, ज़कात, फितरा और तवल्ला तबर्रा, अमल बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर, यानी जितने भी फुरुआत हैं, जितने भी दीन की शाखें हैं जो उस पर फर्ज होती हैं, तो अजीजाने गिरामी हजरत इंसान यानी आदम की औलाद को मलाउन शैतान भहकाता रहता है कि तुझे किस तरह बहकाऊं, तुझे किस तरह बहकाऊं, तुझे किस तरह से सिरातल मुस्तकीम से हटाऊं, तुझे किस तरीके से सीधे रास्ते से हटाऊं। यानी उस तरीके से वो जद्दोजहद और मशक्कत करता रहता है कि मैं औलाद आदम को, मैं हव्वा के बेटों को किस तरह से बहकाऊं, मैं बिन्त हव्वा को किस तरह से बहकाऊं, मैं किस तरह से इन्हें वलवला दिलाऊं, किस तरीके से इनके दिलो दिमाग में वसवसा डालूं। यानी वो चाहता ये है कि औलाद आदम और औलाद आदम और औलाद आदम और औलाद की बेटियां और औलाद के बेटे, यानी ये चाहते ये हैं कि किस तरीके से अंदाज से किसी नहज से किसी वजह से ये लोग सिरातल मुस्तकीम से भटक जाए। अब मैं ये कहूंगा तुझे जानता नहीं है तू, बल्कि किसको बहकाने की कोशिश कर रहा है, किसको हटाने की कोशिश कर रहा है, किसको बहकाने की कोशिश कर रहा है। बहकाइए उनको जिनके पास अली जैसा रहनुमाना हो, यानी बहकाइए उनको जिनके पास अली जैसा रहनुमा हाकिम और सरपरस्त न हो। अजीजाने गिरामी, मैंने ये देखा कि जहां तक मैंने जहन को दौड़ाया और पूरी मशक्कत और जद्दोजहद की, जब इंसान गुनाह में मुलव्विस हो जाता है या गुनाह कबीरा को अंजाम दे लेता है, तो फिर बाद में अफसोस करता, हाय अफसोस इस गुनाह को ना करता तो बेहतर रहता, हाय अफसोस इस गुनाह को ना करता तो बेहतर रहता। मैं कहूंगा तू अफसोस क्यों कर रहा है? अफसोस इसीलिए कर रहा हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है, मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे जाऊंगा, अब मुझे शर्म आ रही है। मगर मैं कहूंगा बंदे खुदा शर्माने की बात नहीं है, खुद मेरा परवरदिगार कह रहा है अगर कोई इंसान गुनाह करने के बाद अगर उसे शर्म और निदामत और खिजालत महसूस ना हो, वो सबसे बदबख्त इंसान है। अगर किसी इंसान से भूल चूक के या अमदन गुनाह हो जाए, अगर अल्लाह की माफ अल्लाह की बारगाह में आ जाए और माफी तलब भी कर ले और इस्तग़फ़ार की तस्वीर पढ़ ले, तो परवरदिगार कहता है कितना अच्छा मेरा बंदा है, देखो मेरी बारगाह में आया है अपने गुनाह की माफी मांगने के लिए, देखिए कितना बेहतरीन बंदा है। अब अजीजाने गिरामी, जब इंसान गुनाह कर देता है तो इंसान को एहसास और निदामत और खिजालत और शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों होती है? अब जरा गौर फरमाइएगा, यानी हर इंसान ये कहता है अबुल बशर की औलाद, औलाद आदम, ऐ मौलाना जरा मुझे इतना बताइए, ये मलऊन जो शैतान है ये तो हमारे बाप दादा हजरत आदम से दुश्मनी है, ये इंतकाम हमसे लड़ दे रहा है, यानी यह तो 1400 साल पहले की लड़ाई, मगर ऐसा हमने क्या बिगाड़ा है जो हमसे इंतकाम ले रहा है, हमसे बदला ले रहा है, हमसे बदला ले रहा है, हमसे इंतकाम ले रहा है। सलवात पड़ोस मते आले मोहम्मद पर, हमसे बदला ले रहा है, हमसे इंतकाम ले रहा है, हमसे बदला ले रहा है, हमसे बदो बदल ले रहा है। मगर कहता है कि इस चीज की लड़ाई है कि अल्लाह ने कहा था कि मैं देखो मैं जमीन पे एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैं इसमें रूह फूंकूं तो तमाम के तमाम मलाइका सजदे में गिर पड़ना, तमाम के तमाम मलाइका सजदे में गिर पड़े। मगर रिवायत ही आगे बढ़ के कहती है ये मलऊन ने हजरत आदम के सामने अपने सर को खम न किया, अपने सर को हजरत आदम के सामने खम न किया, तो परवरदिगार आलम ने पूछा ऐ बंदे फरिश्ते ऐ इब्लीस तूने अल्लाह इस बंदे को मेरे आदम को मेरे खलीफा को तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ, मैं मिट्टी से बना हूँ इसलिए ये मैं मिट्टी से बना हूँ, ये आग से मैं तवज्जो चाहता हूँ। अजीज आने के नाम फिर कहती है रिवायत पढ़ के कि मैं हरगिज इसे सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मुझ में दमक और चमक है, इसमें भी हरगिज दमक और चमक नहीं है। कि इतना कहना था कि अल्लाह ने
निकल जा मेरी बारगाह से, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, तूने मेरे हुक्म की इताअत नहीं की है, तूने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया है, तूने मेरी बात का इकरार नहीं किया है। अजी सारे ग्रामी अल्लाह से कहा, परवरदिगार मैं जा तो रहा हूँ मगर मेरे कुछ शरायत है, मेरी कुछ बातें हैं, मेरे पे कुछ कवानीन है, उस शरायत के बदले, उन नमाजात के बदले, उस इबादात के बदले, जितने भी चीजें हैं अल्लाह मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक बजा लाया हूँ, उनका मुझे बदो बदल दे दे, मुझे उस चीज की हुजरत दे दे, मुझे उस चीज की कीमत दे दे। तो अल्लाह ने भी बड़े इफ्तिखार से कहा, बता क्या चाहिए तुझको, मेरी नमाज का, मेरे रोजे का, मेरे सजदे का, मेरे रुकू का, मेरे कुनूत का, मेरे तशहुद सलाम का। अल्लाह परवरदिगार सबसे पहली शर्त यह है कि मैं तेरी औलाद आदम को बहकाऊंगा, यानी इसकी वजह से मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूँ तो मैं औलाद आदम को, फरजंदान आदम के औलाद आदम को बहकाऊंगा। क्या परवरदिगार ने कहा, ठीक है तू जितना कोशिश कर लेना मगर फेंका लेना, मगर जो मेरे साले बंदे होंगे, जो मेरे नेक बंदे होंगे, वो हरगिज तेरे बहकाए में नहीं आने के हैं, वो तेरे बताए हुए रास्ते पर इताअत नहीं करने के हैं। परवरदिगार आलम से फिर इब्लीस ने कहा, मलऊन ने कहा कि बता तेरा दूसरा रास्ता क्या है। परवरदिगार ने से कहा तो हजरत के नाम इब्लीस कहता है, दूसरा रास्ता दूसरे मेरा ये अमल ये है कि मैं इतनी उम्र दे ताकि मैं कयामत तक बाकी रहूं। तो अल्लाह ने कह दिया, जा तुझे मेरे ता कयामत तक तुझे उम्र अदा की, एज अदा की। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने बिना पर इसने दो चीजें मांगी। अब जरा गौर फरमाइएगा और मुलाजा फरमाइएगा, इसने क्या चीज मांगी। सबसे पहले चीज ये मांगी कि मुझे इन नमाज रोजों का और वाजिबात इलाही का मुझे सबसे पहले ये उजरत चाहिए ताकि मैं तेरे बंदों को बहदा बहका सकूं, और दूसरी बदल ये चाहिए कि मैं जो इतनी उम्र अदा करे ताकि मैं कयामत तक बाकी रहूं। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस चीज का झगड़ा है हजरत इंसान का किससे, यानी शैतान से, इब्लीस से, मलाऊन से, बदबख्त से, अहमक से, बेवकूफ से, किस चीज का झगड़ा है। अल्लाह को, अल्लाह के बनाए हुए खलीफा हजरत आदम को सजदा नहीं किया था, इसलिए इसलिए औलाद आदम से इंतकाम ले रहा है, बदला ले रहा है, इसलिए उनके दिल और दिमाग में आग भड़की पड़ी है। किस चीज की आग भड़की पड़ी है, इस चीज की आग भड़की पड़ी है, कोई चाहता यह है कि मैं औलाद आदम को इस तरह से बहकाऊंगा क्योंकि अल्लाह ने मुझे कैसी ताकत और कुव्वत और ऐसी सलाहियत अता की है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इन्हें जन्नत से हटा के जहन्नम के रास्ते पर लेकर आ जाओ। इस बात को चाहता क्या है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इनको रास्ते से हटा दूंगा, मगर मैं कहूंगा बेवकूफ है तू भी, हजरत आदम से गलत पंगा लिया तूने, तूने हजरत आदम से गलत मुखासिमा और मुजादला जंग गलत की तूने। अरे तू जानता नहीं है जिसे अल्लाह मुंतखब कर दे दुनिया की कोई सी भी ताकत आ जाए तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यानी कहा कि तूने गलत पंगा लिया है हजरत आदम से, अब जरा वाकया सुनिएगा, नतीजा लीजिएगा, तूने गलत मुखासिमा और मुजादला और जंग गलत की है तूने, तूने गलत तरीके से गलत आदमी से खुजाया है। अब जरा गौर कीजिएगा, एक मरतबा का वाकया है, रिवायत ये कहती है, मैं किताब का हवाला दूंगा, उसमें से मैं बात को पढ़ रहा हूँ। तो तवज्जो, जरा गौर करना अजीज आले गिरामी, तोहफे रिज़विया में इस बात को पैगंबर इस्लाम से और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनकूल है कि पैगंबर इस्लाम मस्जिदुल हराम का तवाफ कर रहे थे। पैगंबर तवाफ करते करते तो तवाफ को मुकम्मल किया, देखा क्या देखा कि इब्लीस है जिसकी कमर खम है और बड़ा सुधा है, रंग है, मलाल है, गम है, चेहरा बदला हुआ, रंगत बदली हुई है। तो पैगंबर ने पूछा, बेवकूफ तू किस चीज में और किस गम में मुब्तला है। कहा
मैं दावत देता हूँ, बुरा कर लेते हैं फिर इस्तगफार कर लेते हैं। ऐसा का क्या कह सकते, कौन से फेर अंजाम देते हैं कि गुनाह करते हैं फिर अल्लाह से माफी तलाफी कर लेते हैं फिर वो माफ कर देता है। का क्या मतलब, क्या मतलब ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जिनके बिना पर अल्लाह माफ कर देता है। कब का पहला बिना क्या है, पहली वजह क्या है, कब पहला जब गुनाह करते हैं तो इस्तगफार कर लेते हैं। दूसरी बिना क्या है कि दूसरी बिना ये है कि जब भी आपका नाम सुनते हैं तो सलवात पढ़ते हैं। सलवात पढ़ो ना समझ आ रहा है। बेहतरीन नुस्खा बेहतरीन दवाई लेके जाइएगा और हजरत आदम के दुश्मन की इस तरह कमर तोड़िएगा। यानी इंसान औलाद आदम गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद इस्तगफार पढ़ता है, अल्लाह से गुनाहे कबीरा सगीरा की माफी तलाफी करता है, और दूसरा जुमला यह है कि अल्लाह से लो लगाता है। तीसरा जुमला यह है जब औलाद आदम गुनाह करता है तो अल्लाह से माफी मांग लेता है। मगर चौथा फेल यह है, यह तीसरा फेल यह है कि जो सबसे बेहतरीन मोहतब है, जब आपका नाम सुनते हैं और आपकी आल पर आप पर दुरूद पढ़ देते हैं तो अल्लाह ऐसे गुनाह को माफ कर देता है जैसे उसने कोई फेल को और कोई काम को कोई गुनाह को अंजाम न दिया हो। इंशाल्लाह पड़ोस में आले मोहम्मद इंसान समझे तो सही। कुरान खुद कहता है अलम आद इलैकुम या बनी आदम अला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अद्दुव मुबीन। ए औलाद आदम, ए फरजंदान आदम, ए औलाद औलाद आदम, ए औलाद आदम, क्या तुमको नहीं मालूम है कि अल्लाह ने क्या आयत दिया था कि शैतान के चक्कर में मत पड़ना, इसके बताए हुए रास्ते को इख्तियार मत करना। क्यों? इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, क्योंकि इसकी साजिश और इसका मकसद और इसका हदफ और इसका एहदाब सिर्फ ये है कि मैं किसी ना किसी तरीके से औलाद आदम को बहका दूं, गलत रास्ते पे लाके मैं इनको खड़ा कर दूं। क्यों खड़ा कर दूं? क्योंकि इनसे मैं बदला ले सकूं, ताकि मैं इनसे इंतकाम ले सकूं। तो इंसान को चाहिए जितने भी अल्लाह के बताए हुए रास्ते हैं हमेशा उस पर मुसलसल व तसलसल के साथ उसके कवानीन की रियायत करनी चाहिए। क्यों इंसान गुनाह करता है? एक वजह यह भी बयान की है, जब इंसान हराम गिजा खाता है ना तब गुनाह करता है, जब इंसान गलत गिजा खाता है हराम फेल में मुब्तला होता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जुमला इमाम हुसैन का आपकी समातों के हवाले करूंगा। करबला के मैदान में फरजंद रसूल ने पूछा, तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल कर रहे हो? कहा, आपके बाप के जुर्म में कत्ल कर रहे हैं, आपके बाप के बुग्ज में जुर्म में कत्ल कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मेरे कत्ल से बाज नहीं आने के हो। फिर जुमला कहा आगे बढ़ के, क्योंकि तुम्हारे पेट में माल हराम से शराब हो चुका है, नहीं तुम्हारे पेट माल हराम से भर चुके हैं। जब इंसान गुनाह करता है तो गिजा का भी असर होता है, जब गिजा हलक में जाती है हलक से वो पेट में आता है, पेट से भी वो खून तासीर दिखाता है, उसके तासीर के बाद फिर वो अमल में आता है। इंसान जब गुनाह करता है, क्योंकि पाक व पाकीज़ा इंसान को गिजा खिलानी चाहिए कि ताकि अच्छी औलाद बिल्कुल अच्छी सूरत में परवान हो सके। मिसाल सामने की, हजरत अब्बास मासूम तो नहीं है, गैर मासूम है, मगर अल्लाह की कसम क्या तरबियत की है जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बेटे की। क्या तरबियत की है जनाब उम्मुल बनीन ने? चलो आप कहेंगे मौलाना ये तो अहले बैत के दरमियान की बात है, जरा किसी और का तस्करा कर लीजिए। आपने आयतुल्लाह सिस्तानी का नाम तो सुना है, मासूम तो नहीं है, गैर मासूम है। आप फिर कहेंगे, मैं दुबला बदल के फिर कहूंगा आगे पढ़ के, आयतुल्लाह खामनाई को देख लीजिए, आयतुल्लाह बशीर नजफी को देख लीजिए, आयतुल्लाह फैयाज को देख लीजिए। आप फिर कहेंगे पढ़ के, मौलाना ये तो मौलाना है,
हर वक्त अल्लाह 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 करते रहते हैं और अहकाम इलाही के फेल को अंजाम दे रहते हैं और जितने भी हो सके ये दीन की हिफाजत करते रहते हैं। जरा किसी और का तस्करा कीजिए, कासिम सुलेमानी का नाम तो सुना होगा आपने, कोई मासूम है क्या, कोई मौलाना है क्या, कोई मुज्तहिद अल-असर है क्या, या फकीह है? नहीं, सिर्फ एक कमांडर है जिन्होंने अपने जान दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। आयतुल कहना में जब कासिम सुलेमानी अपने वालिदा से मुलाकात किया करते थे ना, तो अपने वालिदा के कदमों का बोसा लिया करते थे और ये कहते थे, मैं परवरदिगार तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जो माँ ने मुझे ऐसा परवान चढ़ाया था कि मैं इस्लाम के काम आया। यानी कजरा में कासिम कौन है, यानी जब अपने माँ से मुलाकात करते थे, ये जंग से वापस लौटते थे, तो अजीज आने जनाब कासिम सुलेमानी अपनी मां के कदमों का बोसा लिया करते थे कि मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं, परवरदिगार मेरे वालिदा ने मुझे पाक दूध पिलाया, परवरदिगार मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मेरी मां ने मुझे पाक और हलाल रिजा खिलाई, परवरदिगार मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मेरे वालिदा ने मेरी अच्छी परवरिश की। क्या मेरा मैं कोई जानता था कासिम सुलेमानी को शहीद होने से पहले? नहीं, यानी मगर कुरान कहता है इंसान को रहने सहने का सलीका बता रहा है कि जो राय खुदा में अपनी जान कुर्बान कर दे और इस्लाम के खातिर और इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान दीन इस्लाम के लिए फिदिया कर दे और कुर्बान कर दे, दर हकीकत में वो मरता नहीं है, वो हयात रहता है। हमारे सामने खुद एक सामने की मिसाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दुनिया से तो चले गए हैं मगर दर हकीकत में वो जिंदा है, हयात है। वो ऐसी हयात है कि दुनिया चली जाएगी मगर उनका नाम बाकी रहेगा, क्योंकि उन्होंने दर्जे शहादत पे इस तरह फाइज हुए, हर कोना हर जगह हर मकामात, चाहे कोई सा भी मुल्क और कंट्री हो, देखिए हर जगह हुसैन 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 कर रहे हैं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन का मातम कर रहे हैं। क्यों? इसीलिए कुरान कहता है जो अल्लाह के नज़दीक अपनी जान को कुर्बान कहता है, तो बदगुमानी मत करना, गलत मत समझना कि शहीद मर गया है, बल्कि वो तुम्हारे दरमियान से चला गया, बल्कि वो हयात है अल्लाह के नज़दीक भी और आपके नज़दीक भी। ये है वो शहादत मरतबे, शहादत का मरतबा। जरा सोचें कितना गरीब है हुसैन का घराना, कितना मजलूम है आले मोहम्मद का घराना, कितना कि जब जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसका इस्तकबाल किया जाता है, मगर हाय अफसोस हुसैन के घराने को चारों तरफ से घेर लिया गया, हुसैन की कोई मदद करने वाला नहीं, यहाँ तक कि हुसैन पर पानी की पाबंदी लगा दी है। अरबाब अदा रिवायत ये कहती है, आपने दोपहर बड़े शान और शौकत के साथ और बड़े खुश होकर हुसैन को पुरसा दिया, दुलदुल और ताबूत और अलम बड़े शान के साथ बरामद किया, हाय आज़ादारों काश तुम करबला के मैदान में होते, देखते अपनी आंखों से कि हुसैन पे क्या क्या सितम ढाया गया। आज़ादारों ऐसा नहीं है कि मौला ने तुम्हें याद नहीं किया, याद किया है, इमाम ने खुद वसीयत फरमाई थी अपने बेटे सैयद सज्जाद से, अल्लाहु अकबर। जरा रोए दिल खोल के, कितना मजलूम है तुम्हारा तीसरा इमाम, वक्त शहादत पे तुम्हें याद करता रहा, अहबुका करता रहा। रिवायत ये कहती है कि आपने दोपहर सुना था मसाइब में, जनाबे ज़ैनब ने कहा था कि भैया तुम्हारा भी कोई छाने वाला है, भाई तुम्हारा भी कोई मुरीद और आशिक है जो तुम्हारी सालों में गुर्बत में तुम्हारी मदद कर सके, तो जनाबे ज़ैनब को इमाम हुसैन ने जवाब दिया था, हाँ खार,
मेरी बहन आज मेरा चाहने वाला है जिसका नाम हबीब इब्ने मजाहिर है। असादारों कुछ मसाइब रह गए थे। तारीख की रिवायत ये कहती है कि जनाबे हबीब इब्ने मजाहिर को जब कत्ले का था, जब हबीब इब्ने मजाहिर ने अपने गुलाम को जब पैगाम भेजा कि जाओ फला मकाम पे पहुंचाना और जहां में कुछ देर हो जाए तो मुझे माफ करना, बाबे आजाद तारीख ये कहती है कि हबीब इब्ने मजाहिर का घोड़ा अपने टापू को जमीन पे दे मारता है। देने के बाद जनाबे हबीब का गुलाम कहता है हबीब इब्ने मजाहिर के घोड़े से, ए मेरे आका के घोड़े, अगर तेरा आका तेरी पूछ पर न गया तो तेरा आका का गुलाम हुसैन की मदद के लिए जाएगा। आजादार हबीब इब्ने मजाहिर, जनाबे हबीब इब्ने मजाहिर अपने रहवार के नजदीक आए और गुलाम से कहा, जा तुझे मैंने राह खुदा में आजाद किया, चाहे तुझे मैंने राह खुदा में कुर्बान फिदा किया। आजादार रिवायत ये कहती है अरबाब अदा जनाबे हबीब इब्ने मजाहिर ने, हबीब इब्ने मजाहिर ने अपने गुलाम से इतना कहा तो हबीब इब्ने मजाहिर के गुलाम ने हबीब से कहा है मौला, ए मेरे सरदार, क्या तुम मुझे इस चर्च छोड़ के चले जाओगे, इस आलम गुर्बत में छोड़ के चले जाओगे, जब जन्नत की बात आई है तो मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। अरबाब अदा तारीख कहती है हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा है मेरे गुलाम चल मेरे साथ चल, तू भी हुसैन पे चार निसार कर दे, देखिएगा कैसे कैसे अर्शियों को याद किया है। अदादार जैसे हबीब इब्ने मजाहिर मैदाने करबला में पहुंचे तो ये आवाज बुलंद हुए कि हबीब आ रहे हैं, हबीब आ रहे हैं। दाएं जाने जनाब अब्बास खड़े हैं, बाएं जाने हजरत अली अकबर खड़े हैं। अदादार इतना सुना था इमाम हुसैन ने अपनी कुर्सी को छोड़ा, छोड़ने के बाद का अकबर मजाहिर आते हैं, अपने आप को घोड़े से गिरा देते हैं, इस तरह आते हैं, आका हुसैन अपने गले से लगा लेते हैं और ये कहते हैं मेरे बचपन के दोस्त मेरी मदद के लिए आ गया, तो मैंने पुकारा, तो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आ गया। तो हबीब इब्ने मजाहिर को कहते हैं ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, इस वक्त मेहमान नवाजी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तेरी मेहमान अंजाम दे सकूं। हाय आजादारो तारीख कहती है कि सैदानियों के खैमे में ये आवाज बुलंद हो गई कि हबीब आ गए, हबीब आ गए। तो जनाबे ज़ैनब ने फिज़ा से पूछा, ए अम्मा फिज़ा ये बताए कि कौन आया है। कहा हबीब इब्ने मजाहिर हुसैन का बचपन का दोस्त आया है। अरबाब आजाद तारीख कहती है कि अम्मा फिज़ा चाहिए मेरे बाप भाई के दोस्त को हबीब इब्ने मजाहिर को मेरा सलाम कहिए। आजादार शहजादी फिज़ा ने हबीब इब्ने मजाहिर को सलाम कहा है, ए हबीब तुम्हें अली की बेटी ने अपना सलाम कहा है। आजादार बड़ी गैरत आई हबीब इब्ने मजाहिर को, कहने लगे हबीब ए शहजादियों, ए शहजादियों मुझे शर्म आ रही है कि मुझे आका जादी मुझे सलाम कह रही है और इस तरह से सलाम कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आजादारो हबीब इब्ने मजाहिर ने इजाजत दी, कहा मौला मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आपके दोस्ती अदा करना चाहता हूँ, मैं दुनिया को सबक देना चाहता हूँ कि जब दोस्त पर मुसीबत आए तो दोस्त की किस तरह मदद करनी चाहिए। हाय आजादारो हबीब इब्ने मजाहिर को जंग की इजाजत मिली। जंग की इजाजत मिलने के बाद हबीब इतने जहीर थे, इतने कमजोर थे कि अपने कमर से पट्टा बांध के, आंखों से पट्टी बांध के हबीब जंग कर रहे हैं। जंग करते 80 साल का बूढ़ा हबीब, आजादार रिवायत कहती है कि आधा मजाक उड़ाने लगे कि हुसैन की तरह से बूढ़े बूढ़े जंग करेंगे। आजादार हबीब ने कहा आइए मैं तुम्हें बताता हूँ, ना तुम्हें जहन्नम याद दिला दो, मैं हुसैन की तरफ से जान निशान कर रहा हूँ। आजादार हबीब जंग करते रहते हैं, जंग करते रहते हैं, हबीब ऐसी जंग करते हैं, ऐसा वक्त आता है तो हबीब इब्ने मजाहिर ने अपने बचपन के दोस्त को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मेरे भाई, ऐ मेरे मौला हुसैन मेरी मदद के लिए आई है। हाय आजादारो हबीब इब्ने मजाहिर शहीद हो गए। रिवायत ये कहती है मौला हुसैन
اے حبیب تمہیں مجھ پہ جان نشار کر دے, آخری باتیں اور بات تمام کرنے جا رہا ہوں. عزادارو جناب حبیب کا آپ فرصت دیجئے گا, ذرا غور کیجئے گا. عزیزان گرامی روایت کہتی ہے جب شہدا کو شہید کر